हाफ अ बिस्किट, वन बिस्किट 2 बजे रात को, बिकॉज ही इज ऑन अ कैलोरी काउंट एंड ही सो स्पेसिफिक एंड केयरफुल. दिस इज माय अनिल कपूर स्टोरी. सो यस, having said this, true, it happened. It's not calorie count. I just feel ke kya hota hai ke jaise ki aisa nahi hai khana bahut zaruri hai, sahi waqt pe khana bahut zaruri hai, but when you're in between a scene and in between a shot, I think somewhere if you eat something in between, jo break hua to you mentally geared ki aap computerized hain ki is break mein aapko kuch khana hai. कभी कभी इन बिटवीन डिपेंड करता है क्या कर रहे हैं. तो इन बिटवीन अगर खाओ तो कहीं ना कहीं आपका जो ब्लड स्ट्रीम है विच इज देयर विच इज बिल्डिंग एन इमोशन इन योर ब्रेन इन योर बॉडी इन योर ब्लड, तो इंटायर वो ब्लड जो है वो जाके सीधा वो पेट में चला जाता है एंड समवेयर इट बिकम मेक्स लिटिल आपको लेजी और लिथार्जिक कर देता है एंड फिर उसको आपको फिर अगेन वो मशीनरी को फिर चलानी पड़ती है. तो मशीनरी जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है. बट आधा बिस्किट, हाँ आधा बिस्किट, नहीं नहीं, आई थिंक आधा बिस्किट ये है कि आधे में रुकता नहीं हो ना, आधा तो खाऊंगा नहीं, आधा लिया तो फिर पूरा डब्बा खा जाऊंगा. सो शेर को खून नहीं लगना चाहिए, करेक्ट है, करेक्ट. तो मैंने आधा बिस्किट खाया तो लग गया उसका खून लग गया, फिर आधे के बाद 2, 3, 4 होगा तो पहले उसको साला छो ही मत. एंड कमिंग टू आमिर खान जो आपने कहा कि लेजी, एक्चुअली आई डोंट एग्री विद हिम, वो बिल्कुल लेजी नहीं है. नहीं, वो अपने आप को भी लेजी समझता है, बिल्कुल लेजी नहीं है. हाँ नहीं, वो बिल्कुल लेजी नहीं है वो, एंड वो ही बिलीव्स, वो बिलीव करता है कि वो लेजी है, मगर वो लेजी है नहीं. जितना मेहनती वो है, जितना वो सोचता है, जितना काम वो करता है, वो बताता है कि वो लेजी, पर लेजी नहीं है, ताकि दूसरे लेजी हो जाए. तो यू नो कभी कभी मैं सलमान के साथ बैठता हूँ, तो सलमान के साथ बैठा रहता हूँ तो प्लेन में हम लोग जा रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं तो एक रात में तो एक बार खाना है वो खाया, ये दूसरा है आइसक्रीम देना, वो जानबूझ ही खाता है, दूसरा एक्टर थे साला ये इतना खाता और इतना हैंडसम लग रहा है. उसका ये मकसद है कि मैंने तो पहली बार खाया है सब, ताकि ये दूसरा एक्टर हमेशा खाता रहे. तो ये सब जो है ना, ये सारी प्लानिंग होती है. तो इस प्लानिंग में आपको यू कैन नॉट टेक दैट, ये खा रहा है इतना खा रहा है, ये लगता है 10 साल में एक बार पहली बार ऐसा, यू कैन टेक दैट सीरियसली. सो आई थिंक यस, देर आर सम इमेंसली टैलेंटेड ग्रेट एक्टर्स, वो इतने टैलेंटेड हैं कि कुदरती उनको चीजें थोड़ी सी जल्दी आती दूसरों से, तो थोड़े थोड़े कभी कभी वो लेजी हो जाते हैं. इतना कमाल का काम किया होता हमने और इतने अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस दी होती है, तो कहीं वो जाकर कभी कभी उन्हें ऐसा महसूस होता है कि यार वो बात, वो रोल्स हमको मिल नहीं रहे हैं, वो डायरेक्टर्स नहीं हैं, वो राइटिंग नहीं है. सो दे गेट अ लिटिल लिथार्जिक एंड थोड़ा सा हंगर कम हो जाता है. है ऐसे, नाम नहीं लूंगा, पर हैं ऐसे एक्टर्स, वो हो जाता है कभी कभी. एंड बिकॉज ऊपर वालों ने उनको बनाया है इतना, यू नो, ऐसा फनकार, ऐसी आवाज दी है, ऐसा उनका जो ग्रास करने का, जो लाइन्स को ग्रास करना, कैरेक्टर ग्रास करता, जल्दी करते हैं, फास्ट करते हैं. कुछ ऐसे कलाकार होते हैं जिनको थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा वक्त लगता है, वो अपने आप को मांझते रहते हैं, मांझते रहते हैं, मांझ मांझ के उनको बात समझ में आती है. सो देर आर सर्टन एक्टर्स जो ऐसे हो जाते हैं, मगर मैं उनमें से नहीं हूँ. मैं अपने आप को मांझता रहता हूँ. मेरा एक डायलॉग था मशाल में, वो मांझता है, मांझती रही, मांझती रही, मांझती रही. तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो करते 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 यू गेट द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, यू गेट द मोमेंट ऑफ ट्रूथ. एंड देन ऑफकोर्स डिपेंड ऑन द डायरेक्टर, द एनवायरमेंट, द प्रोडक्शन, द को एक्टर्स, कि कितना आपको वो पुश करेंगे, क्या वो माहौल क्या है. तो माहौल के हिसाब से समटाइम्स यू डू स्लाइटली, बहुत ज्यादा भी करो तो ऐसा होता है यार बहुत पका रहा है यार ये. तो मेरी रेपुटेशन थी पहले पहले जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, ये पका था यार, ज्यादा ही मेहनत करता है, रोल के अंदर घुस जाता है. बट वो उस वक्त ऐसा लगा लोगों को, बट आज वही लोग
जो है वो अप्रिशिएट करते हैं, वो कहते हैं कि यार वही सही था जो मैं करता था, मेहनत। देयर आर सर्टेन फिल्म्स जहां कभी कभी व्हेन यू आर नॉट हैविंग द करेक्ट पर्सन टू गाइड यू, तो कभी कभी वो परफॉर्मेंस थोड़ी सी ऐसा लगता था यार ज्यादा हो गई, पर कोई अच्छे फनकार के साथ वही एक्टर, सेम एक्टर है बट डायरेक्टर अच्छा है, राइटिंग अच्छी है, वही एक्टर इतना कमाल का लगता है। मगर कभी कभी बिकॉज अल्टीमेटली जैसे कि मैंने कहा कि आई एम ऑलवेज बीन अ डायरेक्टर्स एक्टर, देयर आर सर्टेन फिल्म्स वेयर माई परफॉर्मेंसेज आर एब्सोल्युटली इनिशियल स्टेजेस ऑल्सो, तो उसमें डायरेक्टर्स का हाथ है कि इतना अच्छा काम इतने साल पहले कैसे हुआ, अभी तो अच्छा कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्राफ्ट समझ में आ गया है, बात समझ भी आ गई है, वाइज हो गए हैं, यू लर्नड, हैव इंप्रूव्ड, आई एम ट्राइंग टू इंप्रूव, बट उस वक्त भी जो आज काम कर रहा हूं वैसे ही काम था, तो वहां वो काम इसलिए ऐसा था क्योंकि वो डायरेक्टर्स ने मुझे सही तरीके से गाइड किया, अनिल इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इतना ही ठीक है, या तू बहुत कम कर रहा है, यू नो आई थिंक इट्स स्लाइटली उसकी जो पिचिंग है वो थोड़ी सी, तू अंदर से सोच रहा है मगर वो बात आ नहीं रही, इट्स नॉट फील नहीं आ रही, सो देन यू गाइडेड करेक्टली, यू नो, एंड टुडे तो एडवांटेज है मॉनिटर है तो आदमी देख सकता है, डायरेक्टर्स देख सकते हैं वगैरह, तो पहले तो सिर्फ ऐसे ही यू नो सामने सामने करते थे, सो बट एटलीस्ट आई डोंट बिलोंग टू द स्कूल ऑफ लेजी एक्टर्स, आई एम टिल टुडे वेरी एनर्जेटिक।